साथियों, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता 40-50 साल से वो ऐसे ही कुकरी मारते रहते हैं। बारामती के चुनाव के बाद वो इतने चिंतित है, कि उन्होंने एक बयान दिया है और ये बयान उन्होंने, मैं पक्का मानता हूं कि काफी लोगों से विचार विमर्श करके ही दिया होगा। वो इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको लगता है कि अगर 4 जून के बाद सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर टिके रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। अब आपको मैं बताता हूं, जब 4 जून के बाद कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाएंगे। भाइयों बहनों, 13 मई को कांग्रेस और इंडी अघाड़ी को आपका वोट ही जवाब देगा। नंदुरबार से हमारी बेटी हिना गावित जी आपकी सुख दुख की साथी है और आप जानते हैं ना, हिना मेरी कितनी मदद करती है। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, ये छोटी बेटी है लेकिन पार्लियामेंट में विपक्ष वालों के छक्के छुड़ा देती है। आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बहुत बड़ी जीत दिलाइए और मेरा इसके लिए आग्रह है, मतदान ज्यादा होना चाहिए। भाई करोगे? पहले मतदान फिर जलपान, मंजूर है?